नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। यदि कोई लाश बैंक में पहुंच जाए तो आपको यह सुनकर बहुत ही हैरानी होगी। ये सोचने वाली बात है और हम ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या मुर्दा बैंक में पहुंच सकता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना में ऐसा ही दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। जहाँ बैंक से रुपए निकालने पहुँच गया मुर्दा और उसके बाद मच गया हड़कंप। शहजादपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कैनरा बैंक में महेश यादव नामक व्यक्ति उम्र 55 वर्ष, जिसकी मृत्यु 5 जनवरी को हो चुकी थी, जिसका खाता कैनरा बैंक में था, उसके खाते में 1,18,000 की राशि थी। मौत के बाद परिजनों के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं होने की वजह से वो उसके बैंक अकाउंट में जा पहुँचे। तब पता चला कि मृतक के खाते में 1,18,000 रुपए है, लेकिन कानूनी तौर पर पैसा निकाल पाना संभव नहीं था, क्योंकि 5 जनवरी को ही उस शख्स की मृत्यु हो गई थी। फिर क्या, गांव वालों ने मृतक की अर्थी को सजाया और ले गए कैनरा बैंक। जैसे ही शव पहुंचा, बैंक में हड़कंप मच गया और गांव के लोग अड़ गए कि अब हमें पैसा चाहिए। बैंक के कुछ नियम होते हैं, इसलिए वह पैसे नहीं मिल पाए। फिर उसके बाद मैनेजर ने अपने पास के 10,000 रुपए दिए और शव का आखिरकार अंतिम संस्कार हो पाया। आइए देखते हैं क्या है पूरा वाकया। दूसरी बड़ी खबर के लिए हम रुक लेते हैं तोरल की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि 32 साल के एक मुस्लिम युवक के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं मिला। यूपी के नए कानून के तहत शिकायत की गई थी। नदीम और उसके भाई सलमान के खिलाफ अक्षय त्यागी नाम के शख्स ने मामला दर्ज कराया था। वो उसकी पत्नी पारुल को प्यार के जाल में फंसा कर उसका धर्म परिवर्तन करना चाहता था। इसके बाद नदीम नाम के इस शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर को रद्द करने के लिए एक याचिका दाखिल की थी। और आज यूपी सरकार ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इस युवक के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। पर अभी तक लव जिहाद के केसेस में मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, जहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद लाना चाहती है यूपी सरकार। कोई सबूत नहीं मिलने के बाद भी लव जिहाद का कानून बना दिया गया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए। पर गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं। यूपी सरकार की बड़ी हार, लव जिहाद कानून बना तो लिया पर सबूत नहीं दे पाई कोई भी केसेस का। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।